एक नया दिन और एक ब्यूटीफुल रोम मैक्स प्रो M1 के लिए। इस रोम में रुकने का कारण था मेरा रीज़न, मुझे इस रोम में नेटिव डायलर में वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखा। गाइस ये है LeanOS पाई बेस्ड कस्टम रोम। नवंबर 5 का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाएगा। इसमें इनिशियल स्टेज है रोम का, अच्छा कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे फ्यूचर अपडेट के बाद। वैसे जेन मोशंस भी आपको इस रोम में मिलेगा। इस पिक्सल 3 कैमरा पोर्ट मैंने इस रोम में ट्राई किया है, बट फ्रंट कैमरे में मुझे इश्यू दिखा। दो तीन वर्जन मैंने ट्राई किया है, सारा नहीं, आप चाहो तो कुछ और वर्जन भी ट्राई करके चेक कर सकते हो। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी हर कस्टम रोम्स के वीडियो में पिक्सल 3 कैमरा पोर्ट ज़रूर ट्राई करूंगा और इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया करूंगा। वैसे आप इसमें ओल्डर वर्जन ज़रूर ट्राई करना, वो काम बिल्कुल करना चाहिए। गाइस फुल चार्ज करने के बाद मैंने इसे 7-8 घंटे तक छोड़ दिया था। सुबह 3% बैटरी ड्रॉप मुझे दिखा, यानी आपको बैटरी ड्रेनिंग इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा और दूसरे बैटरी रिलेटेड इश्यूज भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। रोम स्टेबल एंड स्मूथ है, परफॉर्मेंस भी ओके, अब तो कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। एंड गाइस रोटेशन बग भी शायद मुझे लगता है कस्टम रोम्स में फिक्स कर दिया गया है, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इस रोम में मुझे रोटेशन बग भी नहीं मिला। अगर आपके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेगा विच इज़ वेरी नाइस। होम स्क्रीन एंड ऐप ड्रॉअर में कॉलम्स एंड रोज आप कस्टमाइज कर सकते हो। आइकॉन पैक सपोर्ट करता है, आइकॉन साइज एंड शेप आप चेंज कर सकते हो, गूगल फीड भी अवेलेबल है एंड यस थीम स्टाइल भी आपको मिलेगा डार्क एंड लाइट। थीम्स की बात निकली है तो बता दूं, डिस्प्ले सेटिंग्स में सिस्टम थीम्स आप ज़रूर चेक करना एंड डिस्प्ले सेटिंग्स में क्विक सेटिंग्स टाइल स्टाइल एंड क्विक सेटिंग्स हेडर स्टाइल बहुत ही कूल फीचर है। एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर्स के साथ डबल टैप टू वेक एंड स्लीप नाइट लाइट फीचर्स आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में मिल जाएगा एंड दूसरे सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको लीन सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। सबसे मुझे इम्प्रेसिव लगा इस रोम में फिंगरप्रिंट स्कैनर, बहुत ही क्विक एंड एक्यूरेट है, इट्स रियली अमेजिंग। गाइस फेस अनलॉक भी आपको मिलेगा, सिक्योरिटी एंड लोकेशन सेटिंग्स में स्मार्ट लॉक आप ज़रूर चेक करना एंड यस ऑटो फेस अनलॉक का फीचर भी अवेलेबल है जो कि आपको मिल जाएगा लीन सेटिंग्स में। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पर टैप करके आप इसे इनेबल कर देना।
गाइस गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरा इस रोम के साथ अब तक बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो एसफॉल्ट 9 हो चाहे पबजी हो। मैंने पबजी मैक्सिमम सेटिंग्स जो अवेलेबल है इसके साथ भी गेम खेला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई फ्रेम ड्रॉप्स या फिर टारगेट को एम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे अगर आप पबजी का एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक मैजिस का मॉड्यूल है जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लूटूथ, वॉल्टी, GPS, म्यूज़िक, हेडफोन्स के साथ सब कुछ चेक किया, ओके है। स्पीकर स्टिल थोड़ा सा लो लगा मुझे, स्पेशली यूट्यूब में जो मैंने दूसरे कस्टम रॉम्स में भी नोटिस किया था और आपसे इसके बारे में शेयर भी किया था। एंड गाइज FM रेडियो काम नहीं कर रहा, मैंने प्लग इन करके देखा अपना हेडफोन। गाइज एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा, मैंने नेटिव डायलर में वीडियो कॉल का ऑप्शन देखा था एंड मैं नॉर्मली इसे यूज़ नहीं करता, बल्कि मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम यह फीचर कब यूज़ किया था, कॉल नहीं लग रहा है। आई डोंट नो क्यों मैंने पहले कभी ट्राई किया या नहीं, मुझे याद नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे चेक करके ज़रूर कंफर्म करना। वैसे ये सारा डिटेल जो है आप चेक कर सकते हो, डायलर में तो है ही, साथ में आप *#*#4636# टाइप करके भी चेक कर सकते हो, इसमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यानी इस रॉम में अवेलेबल है। अब आप प्लीज़ चेक करके कन्फर्म करना कि ये फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। गाइस रॉम काफ़ी स्मूथ एंड स्टेबल है, बैटरी लाइफ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है, एंड बैटरी ड्रेनिंग का इशू भी नहीं है। नेटिव डायलर आप एक बार चेक कर लेना, अगर ये काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये रोम को स्किप करना चाहिए, इस रोम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका दोस्त इमरान लेता है अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।